हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी बगैर मेकअप को शक्ल इस तरह की हो रही है और मैं अभी शावर लेके आई हूँ। और आपने टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट मैं जाने का नहीं बताऊँगी। बट ये है कि मैं ट्रैवल करने वाली हूँ और बहुत सडनली प्लान बना है और कोई तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सडनली 9 बजे हमारा प्लान बना है और अभी सुबह 7 बजे की हमारी टिकट्स हैं। देन हम लोग जाएंगे अब घूमने फिरने और मौसम इंजॉय करने। मैं कुछ बहुत ही आई थिंक 2 साल 1.5 साल से दुबई से जब से आई हूँ मैं गई नहीं थी, कहीं भी ट्रैवल नहीं किया था क्योंकि फादर की तबीयत की वजह से। तो अब फाइनली मैं जाने लगी हूँ ट्रिप पे और आप सब लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आने वाली हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। और अभी बस जल्दी से पैकिंग शैकिंग करते हैं क्योंकि हमारी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। जस्ट मैंने पहले शावर ले लिया और अभी पैकिंग करेंगे क्योंकि 3-4 घंटे बाद हमने जाना है एयरपोर्ट। तो बस मेरे साथ रहें और देखते रहें एक्टिविटी। यार बैग शैग निकाल लिया है, ठीक है, और अभी बस हम लोग इसके अंदर डालेंगे सामान शामान और फिर देखते हैं कि क्या लेके जाना है, क्योंकि सामान हमने लेके जाना है कम। यहाँ से तो फ्लाइट में जा रहे हैं, वहाँ हमारी होगी गाड़ियाँ, तो वहाँ हमारे पास होंगी गाड़ियाँ, तो गाड़ियों में भी इतना सामान हम लोग नहीं रख सकते, इसलिए लिमिटेड पैकिंग करनी है और लिमिटेड ही कपड़े लेके जाने हैं जो हम यूज़ कर सकें और ओवर वेट ना हो जाए, ठीक है। और बस चलते हैं और जल्दी से तैयारी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। गाइस कुछ भी समझ नहीं आ रही, यहाँ पैकिंग कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये शूज़। गाइस कुछ भी समझ में नहीं आ रही, क्या रखें, क्या छोड़ें और क्या नहीं लेके जाएं और क्या छोड़ जाएं। जो है ना पैकिंग शैकिंग कर ली है, थोड़ी बहुत प्रेस व्रेस करके कपड़े भी रख लिए हैं, बट जो है ना हैंड कैरी का मसला हो रहा है क्योंकि गाड़ियों में सामान फिर आगे जो है ना वो रखना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 20-20 kg 7-7 kg अलाउ है फ्लाइट में, बट वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे और फिर इतना सामान कैरी करके घूमना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब ना इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है और फ्लाइट में आई थिंक 1 से 1.5 घंटा रह गया है और मुझे तैयार भी होना है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। हेलो गाइस, मेकअप स्टार्ट कर लिया है और बाहर अजान हो रही है। बस हम लोग जो है जल्दी जल्दी तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं। गाइस मेरा सामान जा चुका है और आप देख रहे हैं बाहर अजान हो रही है, सुबह हो चुकी है, यहाँ मेरा मेकअप चल रहा है, बस जल्दी से मेकअप करूँगी। ये देखिए जी अकदस भाई भी आ गए हैं और अकदस भाई की तैयारियाँ चल रही हैं, सामान वगैरह रखा जा रहा है और बाहर देखें सुबह हो गई है, अजान हो रही है। हेलो गाइस, हम लोग रेडी शेडी हो गए, मेकअप शेकअप कर लिए, लाइट्स था और बाहर अजानें हो रही हैं। हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं और बस जल्दी से चेंज करेंगे और निकलने की करेंगे क्योंकि एयरपोर्ट पर टाइम से पहुंचेंगे तो ही फ़्लाइट में बैठेंगे, देन फिर आप लोगों से फ़्लाइट में मुलाकात होती है। और जाते हुए आई थिंक मैं ब्लॉग नहीं सही से बना पाऊँगी, अगर बना पाई तो आपको दिखाती हूँ। हेलो गाइस, फाइनली हम तैयार हो गए हैं और मेरा कुछ आउटफिट है वाइट, मैंने ट्रैक सूट पहना है क्योंकि जहाज़ में जो है सर्दी लगेगी और इस वजह से जो है ना ट्रैक सूट सही रहता है। और मैंने कुछ वाइट कलर का पहना है, वो आपको ओवरऑल लिंक दिखाती हूँ। और ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था, थैंक यू सो मच, आई लव इट, ये मेरा फेवरेट बैग है। और बस अब हम निकल रहे हैं और आपको दिखाती हूँ अपना आउटफिट। ये है जी मेरा ओवरऑल लुक, यू कैन सी गाइज, ये देखिए सुबह हो गई है और हम लोग जो है ना अभी तक घर से नहीं निकले। ये देखिए जी हम जा रहे हैं, सबके बैग रास्ते में पड़े हुए हैं। मानो को नींद नहीं आ रही जी, हम जाला बच्ची को छोड़ के जा रहे हैं, जाला बच्ची रो रही है। हेलो, और आपने मेरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया, सबसे पहला मेरा व्लॉग, और बहुत टाइम बाद अब मैं ट्रैवल करने वाली हूँ तो आप लोग के लिए इसलिए सरप्राइज था। तो अब आगे आगे देखिए मैं कहाँ जाती हूँ। ओह माय गॉड, बेचारी मैं दोनों अपनी बहनों को छोड़ के जा रही हूँ, बेचारी उदास हो रही है, लेकिन इनके साथ भी मेरा ट्रिप है, बट आप लोग के लिए सरप्राइज है वो भी। अच्छा, लेट हो गए हैं।
क्योंकि जहाज निकल जाएगा और हम लोग इधर ही रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग गाड़ी में नहीं जा रहे ना। ओके बाय बाय। ये बैग देखो यहीं पड़ा है। ये देखिए मेरी बहनें जो है ना हमारे सामान लेके आ रही हैं। बेचारी जा नहीं रही, लेकिन लेकिन मैं इनका फेस नहीं ले रही हूँ। इनकी हालत जो है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन ये देखिए हमारे कितनी हेल्प आउट कर रही हैं। गाइस ये देखिए हमारा सामान, उफ। गाइस बस सामान रख लिए और हम लोग निकल रहे हैं। बाय बाय टाटा, घर को सी ऑफ करते हैं। बाय घर, अल्लाह हाफिज। बाय बाय मोटू मोटू, चलो चलो। बाय बाय मामा। फाइनली हम लोग जो हैं एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं गाइस। और मानो, हाय मानो, मानो भी जा रही है, देखें। चलो बाय बाय हम, बाय बाय। गाइस आप ब्रश देख रहे हैं। फाइनली हमारी बोर्डिंग छोटी हो गई है, हम जा रहे हैं लाउंज में गाइस। और ये देखें मानो को, ये देखिए जी फाइनली हम लोगों की बोर्डिंग छोटिंग हो गई है। और ये मेरे साथ जा रहे हैं अकदस भाई। और बस हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, लाउंज में जा रहे हैं। तो अभी चलते चलते आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर जी हम लोग कुछ नाश्ते में ब्रेकफास्ट कुछ करके नहीं निकले घर से, तो हम जो है लाउंज में बैठ के कुछ देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ शॉप नज़र आ गई थी, यहाँ से हमने कॉफ़ी और कुछ जो है खाने पीने के लिए ले लिया था। सुबह सुबह में मुझे यही मिल रहा था और जल्दी से खाया, ताकि फ़्लाइट का टाइम भी हो चुका था, तो हमने भागने की। ये देखें अब हम जा रहे हैं जहाज़ में और यहाँ पे थोड़े बहुत पिक्चर्स बनाएंगे। लेकिन सुबह सुबह का मॉर्निंग थी सुबह की, और बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। जहाज़ में भी फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं और बहुत टाइम बाद जो है ना वो ट्रैवल किया है, तो सुकून भी बहुत मिल रहा है और खुशी भी बहुत हो रही है, क्योंकि घूमने के लिए स्पेसिफ़िकली जा रही हूँ। क्योंकि अदरवाइज़ पहले जब भी ट्रैवल किया है तो वो काम के लिए ही ट्रैवल किया है, ऑफिस के लिए ही ट्रैवल किया है। तो अब भी फर्स्ट टाइम मेरा ट्रिप है जो मैं सेपरेटली सिंगल फैमिली के साथ घूमने जा रही हूँ। तो बस अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, कुछ खाना पीना भी मिल जाए और फिर हम लोग जो है इंजॉय करें। नींद तो आती नहीं है मुझे ट्रैवलिंग करते हुए, और जहाज़ में भी नहीं आ रही थी, तो इसलिए हम लोग पिक्चर्स बना रहे थे, कुछ वीडियोस बना रहे थे। और ये देखें हमें जो है ना गाइड किया जा रहा है, जहाज़ उड़ने वाला है।
यहाँ पर जी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, खाना बहुत अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी इनका अच्छा था। एयर सियाल में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और ये देखें यहाँ का व्यू, ये देखें हमें इस्लामाबाद नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। और ये दिन में इसका जो है व्यू वो इस तरीके से आता है विंडो से, में अगर बैठा जाए तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। दिन का सफ़र बिल्कुल ही डिफरेंट है और रात का सफ़र बिल्कुल ही डिफरेंट है, दोनों का ही अलग अलग मज़ा है। और यहाँ पर सब सो रहे थे क्योंकि सब मॉर्निंग की फ़्लाइट थी और बिल्कुल सन्नाटा हुआ हुआ था जहाज़ में। और जो है ना बस लैंडिंग में आई थिंक कोई 15 से 20 मिनट ही रहते थे, 15 मिनट, क्योंकि दूर से हमें इस्लामाबाद नज़र आना स्टार्ट हो चुका था, लैंडिंग होने वाली थी। और ये जी हम लोग पहुंच गए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट। ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बना हुआ है, बाहर से तो ऐसा लग रहा है दुबई की तरह ही थोड़ा बहुत फीलिंग आ रही थी, बट अंदर जाके देखते हैं। मैंने खुद फर्स्ट टाइम न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद का देखना है, पहले वाला तो मैंने देखा हुआ है। फाइनली हम लोग इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के वॉशरूम में तशरीफ ले आए हैं, थोड़ा बहुत अपना खुलिया सही करने। हेलो जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और बहुत बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, ये देखें यू कैन सी। और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं बाकी सबका और बहुत ही अच्छा। वो नीचे से नहीं आए, हमारा लगेज जा रहा है और हम लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं गाइज, यू कैन सी। वापस मशीन से ये देखिए अंकल भाई भाग रहे हैं, हमारा सामान आके है। चल रहे हैं।